मौजूद हलका इकाई के अध्यक्ष आदरणीय करण सिंह देवपल जी, हमारे बीच में मौजूद हासी विधानसभा क्षेत्र से जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार मेरे युवा साथी भाई राहुल मक्कड़ जी मंच पर बैठे, जननायक जनता पार्टी के बहुत ही मेहनती साथी हमारे आदरणीय फौजी साहब सुरेंद्र जी, अजय जी, मक्कड़ जी, हमारे बीच में मौजूद रविंदर सैनी जी, हमारे बीच में मौजूद ओम प्रकाश खरबला जी, हल्का अध्यक्ष तमाम, मैं नाम रुस्से रुसाई चलेगी, पहले तो शिव कुमारी रुस्सेगा की मंच का संचालन कर रहा था, मेरा नाम नहीं लिया, तो तमाम मंत्रासीन, हमारी महिला अध्यक्षा और हासी की पावन धरा पर मौजूद इतनी भारी संख्या में आए मेरे बुजुर्गों, इतनी भारी संख्या में आई मेरी मातृशक्ति युवा साथी, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा कि आज 7 बजे का समय था और मेरे ख्याल से हासी के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि मैं भी टाइम पे पहुंच गया, पर उसके बावजूद भी आपने इतनी ऐतिहासिक संख्या में आकर जो अपना जोश हमारे भाई के प्रति दिखाने का काम किया, ये विश्वास है कि हासी शहर की जनता ने, हासी विधानसभा की जनता ने यह फैसला कर लिया कि इस बार एक कर्मठ युवा साथी को अपना प्रतिनिधित्व देकर विधानसभा में भारी बहुमत से जिताकर भेजना है। साथियों, पिछले 3-4 दिनों से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई, कल अमित शाह भी आके गए कैथल के अंदर, मैम के अंदर, बहल के अंदर और करोड़पति कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर कर गए, मैं हैरानी की चीज थी, ना तो मुख्यमंत्री साथ गए ना ही अमित शाह जी के साथ गया प्रदेश के अध्यक्ष, साथ एक ही आदमी था अनिल जैन जी जो इस प्रदेश के प्रभारी हैं और 5 साल से बीजेपी के खाते को, खजाने को भरते जा रहे हैं। साथियों, आप खुद देखो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब प्रदेश में प्रचार करने आए और मुख्यमंत्री खट्टर साहब और साथ में बराड़ा जी साथ ना दिखे तो कुछ तो गड़बड़ है। बीजेपी की लिस्ट उठा लो 90 उम्मीदवारों की और एक युवा बता दो, एक बता दो कोई मास्टर या कर्मचारी दिया हो, कोई एक फौजी दिया हो। बीजेपी ने तो मैदान में जितने उम्मीदवार उतारे सारे करोड़पति हैं, पर साथियों हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारी पार्टी ने तेज बहादुर को, रमेश फौजी महेंद्रगढ़ को मैदान में उतारा, टीचर के तौर पर प्रोफेसर रणधीर सिंह को, प्रोफेसर संतोष दहिया को मैदान में उतारा और युवा के तौर पर जयदेव नौलथा जो 900 का साथी है, हमारा राहुल जो हमारी युवा का साथी है, इनको मैदान में उतारने का काम किया। साथियों, आज 90 की 90 सीटों पर हमने ऐसे कैंडिडेट उतारे जो आज प्रदेश में बदलाव करने की उम्मीद जगाते हैं, बदलाव लाने की हिम्मत रखते हैं, पर बीजेपी तो ऐसे लोगों के चंगुल में फंस गई जो जमीनों पे कब्जे करते हैं, ऐतिहासिक जमीनें बेचते हैं, पर हासी में तो मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, हासी का तो इतिहास बताता है कि 10 साल के अंदर किस तरह के हालात हासी में बनाने का काम किया। मैं तो उम्मीद कर रहा था कांग्रेस भी अपने विधायक को उतारेगी, फिर तो चुनाव और मजेदार होता, पर कांग्रेस मैदान छोड़कर भाग गई, आज ऐसा कैंडिडेट उतार दिया जिसके बारे में शायद हासी शहर के एक भी आदमी को ना पता है। साथियों, आज आपको बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है तो उसकी एक मजबूत नींव का पत्थर आपकी हासी विधानसभा की सीट, और हासी विधानसभा सीट जब भी हम भारी बहुमत से निकाल सकते हैं
लेकिन दुकानों में बैठे रेडियो पे खड़े मेरे साथी शहर के जो वोटर हैं, ये राहुल को शहर से जिता दो, गांव से जिताने लाके मेरी जिम्मेवारी है। आपको शहर में मेहनत करनी पड़ेगी। जब टिकट बट रही थी एक बात बारी बारी सुनने में आती थी जी, शहर कमजोर है, शहर कमजोर है, हमने शहर को टिकट दे दी। मगर मैं पूछता हूँ, शहर को टिकट देगी क्या? शहर अपनी उम्मीदों पर उतरेगा या नहीं उतरेगा? साथियों, बीजेपी वाले चोर है, इनका विश्वास ना करियो, करोड़ों रुपए इनके पास है, पानी की तरह वोटों को खरीदने में बाजेंगे। आज मीडिया की ताकत इनके पास है, आज टीवी अखबार पे ये कब्जा कर सकते हैं। मगर एक ताकत बीजेपी के पास नहीं है, वो कार्यकर्ता की शक्ति है जो आपकी पार्टी के पास है, आज मैदान में बैठी। साथियों, मनी पावर, मीडिया पावर के आगे आपकी मैन पावर की शक्ति ही बदलाव लेकर आएगी। पर वो मुमकिन कब होगा? जब आज यहां पर बैठा एक एक साथी अपने आप को राहुल समझकर, दुष्यंत समझकर इस मैदान में उतारने का काम करे। और अगले 11 दिन दिन रात एक एक वोटर के पास चाबी का चुनाव चिन्ह पहुंचाकर राहुल को शक्ति देगा, ताकत देगा और यहां से जीत दिलाने का काम करेगा। साथियों, कभी चोर अपने आप को चोर कहता है? यह पहली सरकार है जिसको इख्तियार चलाने पड़ते हैं कि ईमानदार सरकार। हाँ, टीवी ऑन कर लो तो आएगा ईमानदार सरकार, ना पर्ची ना खर्ची, ईमानदार सरकार। चलते हैं नहीं चलते, अखबार में भी आने लग जाएंगे 2-4 दिनों में, पीछे की कोई कमी नहीं। ईमानदार सरकार, ईमानदार सरकार किस चीज का? ईमानदारी का प्रतीक है। 1 करोड़ में जुडिशरी का पेपर अंबाड़ा में बिकता हुआ पकड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी चल रही है, फिर भी ईमानदार सरकार। 2.5 लाख में नायब तहसीलदार का पेपर बिकता हुआ पकड़ा गया रेवाड़ी के अंदर, 6 लोग जेल के अंदर है, फिर भी ईमानदार सरकार। 5,000 करोड़ रुपए का आपके ओवरलोडिंग का, माइनिंग का घोटाला, फिर भी ईमानदार सरकार। 1,000 करोड़ रुपए का रोडवेज का किलोमीटर स्कीम घोटाला, फिर भी ईमानदार सरकार। आप इनसे पूछने का काम करो, बिजली के मीटर दुकानों के बाहर लगाए, 100 करोड़ रुपए का घोटाला तो इसका है, फिर भी ईमानदार सरकार। और तो और, SC ST बच्चों की, दलित बच्चों की छात्रवृत्ति खागी 25 करोड़ 4 जिले में ये सरकार, फिर भी ईमानदार सरकार। साथियों, मुझे पूछने का काम करो, गुंडों को पना देने का काम करते रविंदर जी बैठे, दुकान में जाके गोली चलाई, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं करी, फिर भी ईमानदार सरकार। साथियों, आज सबसे बेईमान सरकार बीजेपी की है, जहां MCA MTech करे हुए बच्चों को चपरासी भर्ती कर दिया, फिर भी कहते हैं ईमानदार सरकार। मैं तो एक चीज कह सकता हूं, इस सरकार में 2 चीजों को पूरी तौर पर खुली छूट है। एक तो गुंडा तत्वों को, हासी उसका खुद गवाह, बंसीलाल जी के राज में गुंडागर्दी होती थी हासी। अजय सिंह जी MP बने, आपके यहां से नकेल ना कसी हो हासी के गुंडागर्दों पर, पूरी तौर पर समाप्त कर दी गई थी। और इस खट्टर सरकार ने दोबारा गुंडा तत्वों को जिंदा करने का काम, हर रोज 1 मर्डर 3 रेप 4 डकैती हरियाणा में होती है। हरियाणा ने क्राइम के मामले में बिहार को भी पीछे छोड़ने का काम किया। साथियों, और दूसरे तरह की गुंडागर्दी एक और है, जो यहां बैठा हुआ एक एक आदमी परेशान है, चाहे खेत वाला किसान हो, चाहे रेड़ी वाले भाई हो, चाहे कोई गृहिणी हो, पर वो गुंडागर्दी है इन खुले खगड़ों की। हो तंग नहीं हो, मैं गाड़ी से उतर के यहां तक आया, 4 खागड़ खड़े हैं और हंसी की कोई गली नहीं होगी जिसके अंदर ऐसा हाल ना। और साथियों, ये वादा मैं करके जाता हूं, भरे मन से राहुल को विधायक बना दो, राज बना दो, 1 महीने के अंदर गुंडे और खागड़ों से इस प्रदेश को मुक्ति दिलाने का काम करो। पर मेरी विनती है, जब शहर की बात आती है, बारी बारी राष्ट्रीय हित के नाम पे वोट डाल दिए जाते हैं। साथियों, मोटा भाई और छोटा भाई भी आएंगे, आके 370 की बात करेंगे। मोटा भाई छोटा भाई से पूछने का काम करो,
कि हरियाणा प्रदेश के जितने जवान बॉर्डर पर शहीद हुए आज तक गुजरात के इतने जवान आर्मी में भी नहीं भर्ती हुए। ये वो धरती है जिसको गर्व है कि फौज का हर दसवां जवान हमारे प्रदेश से आज रखवाड़ी पे खड़ा है, और हम मरते दम तक इस पे गर्व करेंगे कि हमारी धरती वो धरती है जिसने चाइना को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को हमारे प्रदेश में घुसपैठ करने से रोकने का काम किया। मेरे साथियों, दो गुजराती आते आगे देश हित की बात करते, गुजरात मॉडल की बात करते। क्या गुजरात मॉडल है? 80 एसटीओ शॉर्टलिस्ट हुए, हरियाणा के दो छोटे, 78 बाहर के और ज्यादातर गुजरात के। ये गुजरात मॉडल हरियाणा में खट्टर साहब लेकर आए। खट्टर साहब आज मेरे खिलाफ बयान दे रहे हैं स्टेज से। दुष्यंत तो झूठ बोलते हैं, खट्टर साहब दुष्यंत तथ्यों पर बात करता है। पिछले साल की एसटीओ लिस्ट उठा लो, 55 लगे थे, हरियाणा के केवल 8 थे, बचे हुए गुजरात के और दूसरे प्रदेशों के। और साथियों, अब तो समझ जाओ हमारा बीटेक करावा चपरासी भर्ती होता है और गुजरात का बीटेक करावा एसटीओ भर्ती होता है। ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? ये एक हरियाणवी, एक हरियाणा का मॉडल। खट्टर साहब का यह था कि एक लिस्ट में एक हरियाणा का छोटे के बचे हुए बाहर के छोटे। यह समझने की चीज है कि 5 साल के शासन में खट्टर साहब ने अगर प्रदेश में कुछ किया तो 4 बार आग लगाई, 80 लोगों की सरकारी गोली से मौत हुई, और मौत ही नहीं हुई, जलियांवाला बाग के बाद अगर सबसे बड़ा कोई मैसेकर हुआ तो पंचकुला के अंदर डेरा प्रेमी जो इनकी सरकार ने बुलाए हुए थे, उन नियत डेरा प्रेमियों पर सरकारी गोलियों से बिना उनके हाथ में थे पत्थर भी नहीं थे तो भी छाती पे गोली मार के उनको मारने का काम किया। साथियों, ये वो लोग हैं जिनने 316 साल पुराना संत शिरोमणि रविदास जी का दिल्ली के अंदर मंदिर तुड़वा दिया, और जब लोग उसके विरोध में प्रदर्शन करने गए तो हमारे हरियाणा प्रदेश के 55 लोगों को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। साथियों, मगर ये चर्चा नहीं होती क्योंकि मीडिया की ताकत आज इतनी बड़ी है कि बड़े बड़े चैनलों पर हरियाणा की खबर नहीं छपेगी, बीजेपी के विरुद्ध खबर नहीं छपेगी। आज टीवी खोल लेना, देख लेना, चर्चा होगी मोदी ने इस चीज का रिबन काटा। मैं तो हैरान था कल टीवी पे क्या चल रहा था कि 1600 करोड़ के रफेल आए, उसके ऊपर 2 रुपए का नींबू। आप खुद सोच, तो जहाज नींबू ने उड़ाना है, पायलट ने उड़ाना है, मगर हमारी मीडिया दिखाएगी वही चीज क्योंकि गृह मंत्री नींबू और नारियल के साथ जहाज को उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, समझ जाओ, इस प्रदेश को बचा लो, मौका तेरे हाथ में है। अगर आज एक नहीं हुए, आज इस युवा साथी को ताकत नहीं दी, इस विधानसभा से विधायक नहीं बनाया, अगर ये संगी कच्चेदारी दोबारा आ गए तो 4 बार प्रदेश में आग लगी है, 40 बार लगा देंगे। मेरी तो विनती प्रार्थना आपसे, खास तौर पर पार्टी संगठन के सभी प्रदेश पदाधिकारियों से, हल्का प्रधान, जिला प्रधान से, कि प्रोग्राम बनाकर गांव को डोर टू डोर करो, शहर की एक एक गली डोर टू डोर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। और यह विश्वास दिला देता हूं, जो आज आपका प्यार दिखाए, जिस दिन राज बन गया, सबसे पहली चीज अगर जननायक जनता पार्टी लागू करेगी तो हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए, फिर ठेकेदारी प्रथा नहीं चलेगी, बैकलॉग नहीं पड़ा रहेगा, प्राइवेट नौकरियों में गुड़गांव जैसी जगह 17 लाख में आपकी हिस्सेदारी 3 लाख नहीं होगी। जिस दिन आपका राज बनेगा, हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक रोजगार के अंदर 75% हिस्सेदारी हरियाणा के बच्चों की अंदाने का काम करेगी, और 75% होगी तो एसटी इलेक्ट्रिकल में 80 में 2 नहीं होंगे, 60 से ऊपर बच्चे आपके होंगे। गुड़गांव में फिर 3 लाख नहीं होंगे, 17 लाख में से 14 लाख आपके बच्चे होंगे। साथियों, सोचो, खट्टर साहब में हिम्मत नहीं, आप कहते हैं पेपर गृह जिले में कराएंगे। खट्टर साहब इसी हादसी से एक ऑटो करके 8 लोग जींद की तरफ गए और ट्रक के नीचे आकर उनकी जान चली गई, एक एक के घर में जाके आया था। एक परिवार में तो 2 छोरे गए, एक के अंदर एक की डेथ होगी, एक आज भी आईसीयू में बेड पे एडमिट है हिसार के अंदर, एक घर में एक ही छोरा था। आज आपकी बदौलत है कि दूसरे जिलों में भजाओ बच्चों को, उसका नतीजा था कि 5 दिन के अंदर 15 युवा साथियों की जान गई।
हम वो व्यवस्था को समाप्त कर देंगे, बच्चों को अपने गृह जिले से बाहर पेपर देने नहीं जाना पड़ेगा, गृह जिले में पेपर करा। अब तो खट्टर साहब कहते हैं ये चलान वापिस करे जाएंगे। साथियों सोचो, ये युवा बहन भाई अपनी ट्यूशन पे जाते हैं स्कूटी लेके, नया मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है, 18 साल से नीचे का बच्चा स्कूटी चलाएगा तो स्कूटी इंपाउंड हो जाएगी। मुझे ये बताओ फिर खट्टर साहब उठा के उनको छोड़ के आएंगे ट्यूशन? अगर कोई बिना हेलमेट चलेगा 23,000 का चलान, 23,000 की तो स्कूटी को नहीं आ रहा। ट्रैक्टर का अपने फतेहाबाद के अंदर मंडी में अनाज गेरने आए, आपके यहाँ भी सुबह सब्जियां लेके ट्रैक्टर मंडी में आते हैं, 63,000 के चलान खट्टर साहब किसान के करेगा? मैं ये वादा करता हूं, जैसे ट्रैक्टर को पार्लियामेंट में ले जाके दोबारा गाड़ा बनवाने का काम किया था, राज बनने पर नए मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेश से समाप्त कर दिया जाए। साथियों जहां शहर की बात, आज पीने के पानी की समस्या हर कॉलोनी में, हाँसी में जब जब मुझे आने का मौका मिला, जिस जिस कोने में आने का मौका मिला, गृहणियां आके यही बोलती थी कि आज पीने के पानी में सीवर का पानी मिलकर आता है, काले रंग का पानी आता है, आता ही नहीं आता आंटी। आज सीवर व्यवस्था की, गंदे पानी की निकासी की बात कर लो, बारिश के अंदर मुझे याद है जब फौजी जी प्रधान होते थे, हम एक बार ऊपर टिब्बे पे चढ़ गए, जब नीचे उतरे एक एक फुट पानी के अंदर, कुत्ता पजामा पूरी तौर पर गिला था, इतना पानी खिला था। साथियों इस समस्या को 5 साल नहीं 15 साल हो गए, कोई नई सीवरेज लाइन हाँसी में नहीं चली, कोई सुधार नहीं पाया। ये चीजें अगर कोई कर पाएगा तो ऐसा युवा जो पूरी एनर्जी से भरा है आपकी संघर्ष की लड़ाई लड़कर कर पाएगा, मगर कब कर पाएगा? जब पंडाल में बैठा हुआ एक एक साथी राहुल बनकर इस मैदान में उतरेगा और दुष्यंत को ताकत देने का काम करेगा। मैं तो यही अपील करने आया हूं, जहां हमारे बुजुर्गों की बात है, बहुत से शहरी बुजुर्ग भी ऐसे जिनके आज बुढ़ापा पेंशन एक एक डेढ़ दो दो महीने तक नहीं आता, इंतजार करना पड़ता है, बैंकों में धूप में खड़ा होना पड़ता है। ये हमारी पार्टी का निर्णय है, फिर हमारे बूढ़े बुजुर्गों को सरकारी कर्मचारी के बराबर बूढ़ों को रिटायरमेंट मिलेगी, पेंशन के लिए 60 नहीं 58 साल की उम्र में पेंशन मिलेगी, और हमारी चाची ताइयों को फिर 60 इंतजार करने की जरूरत नहीं, 55 घर पे बैठे बैंक जाने की जरूरत नहीं, 5100 रुपए पेंशन मिले, और 5100 रुपए अंकल के आवेंगे, 5100 रुपए आंटी के आवेंगे, 10200 हो गए नहीं हो गए, और घर के 10200 आने मतलब पुराने टाइम में तो भात भर देते थे, नहीं भर देते थे। तो अपील आपसे, जहां आप लोगों ने अब संघर्ष करना है, शहरी क्षेत्र के अंदर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न, ये मैंने हिसार में कर दिखाया, 44 कैमरे 14 लाख रुपए में हिसार के प्रत्येक कोने में लगाए, आज क्राइम डिक्रीज हुआ। हमारे एक वकील साहब का मर्डर हुआ था, अगर वो मर्डर ट्रेस हुआ तो उन कैमरों की वजह से ट्रेस हुआ। साथियों आज वो व्यवस्था हर शहर में हर कॉलोनी में लाने की जरूरत है, और उसके लिए ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि हाँसी के अंदर क्राइम को पूरी तौर पर रोकने के लिए हाँसी के प्रत्येक कोने पर चौक पर प्राइवेटली सरकारी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे 2400 घंटे पुलिस निगरानी करने का काम करे। मैं तो एक विनती आपसे करूंगा, घोषणा पत्र पार्टी का आ जाएगा, पर हमारे घोषणा पत्र आप लोग हो, मैदान में उतरो, कर्मचारी को जाके बताओ कि तेरी बीजेपी ने 5 साल पहले करे हुए वादे ने, जहां पंजाब के समान वेतन की बात थी, धोखा करने का काम किया। अगर जननायक जनता पार्टी आएगी तो कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन तो मिलेगा, मगर उसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन स्कीम पूरी तौर पर बहाल करने का काम जननायक जनता पार्टी करेगी। साथियों मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अब समय कम, मेरे को जींद भी जाना है, फिर मेरी विधानसभा उचाणा को भी संभालना है, मगर आज आपके भरोसे पर राहुल को आपके बीच में छोड़ने का काम करो। हमारे बीच में प्रेम खुराना जी, मोहनलाल मक्कड़ जी, हरीश खेत्रपाल जी, कुक्कू सरदार जी, सतीश जी, बंटी नागपाल जी, रमेश पावा जी, विनोद सिंगल जी, मुनीश नागपाल।